अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या आप जेटेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपने अपना रीजनल लैंग्वेज उर्दू लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखी होगी तो सिलेबस में ये नज़्म है फैज़ अहमद फैज़ की कि निसार में तेरे गलियों के ए वतन। तो ये नज़्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन आएंगे। सो आइए शुरू करते हैं। नज़्म फैज़ अहमद फैज़, निसार में तेरे गलियों के ए वतन, फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़्म है जो शायर ने क़ैद खाने में लिखी है और इनके मजमूआ कलाम जिंदा नामा में शामिल है। इस नज़्म में अपने वतन में समाजी और सियासी हालात की तरफ इशारा किया गया है और अरबाब हुकूमत पर नुक्ता चीनी की है कि वतन की तरक्की इसमें समझते हैं कि बशऊर लोगों के साथ उलझा जाए, और साथ ही वह ये भी कहते हैं कि दुनिया का तो दस्तूर यही रहा है कि ज़माने में मुहब्बे वतन, जो वतन से मोहब्बत करते हैं, मुहब्बे वतन लोगों को तरह तरह की आजमाइश में मुब्तला करके इन्हें जुल्म व सितम की जंजीरों में गिरफ्तार किया है। मगर शायर अपने दिल को समझाता है कि आरजी जुदाई है कि वह दिन दूर नहीं जब हम वतन जाकर इसकी इज्जत और आबरू को बुलंद बना लेंगे। दुनिया में लोगों ने जुल्म के साथ साथ उलझकर आग को गुलजारों में तब्दील किया है, और जुल्म की मिसाल चार दिन की चांदनी सी है कि जुल्म हुक्मरान ख़त्म हो जाएंगे और वतन आज़ाद हो के रहेंगे। अब यहाँ से जो है नज़्म शुरू होता है। निसार में तेरे गलियों के ए वतन के जहाँ, चली है रश्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्म वजा बचा के चले, है अहले दिल के लिए अब ये नज़म वस्त व किसाद, है अहले दिल के लिए अब ये नज़म बस्त व किसाद के संग व खश्त मकीद है और सग आजाद। तो इस नज़्म की तशरीह देखेंगे आगे हम लोग। नज़्म की ये तशरीह है, इस बंद में फैज़ अहमद फैज़ फरमाते हैं कि ए वतन, तेरे गलियों और कूचे मुझे बहुत ही प्यारे हैं, इसलिए मैं अपने आप को इस पर निशार करना चाहता हूँ, इस पर कुर्बान करना चाहता हूँ। यहाँ की रश्म ही अजीब व गरीब है कि कोई मोहब्बे वतन सर उठा के ना चले, क्योंकि यहाँ के जो हाकिम हैं ऐसा पसंद नहीं करते हैं। अब कोई मोहब्बे वतन की हिफाजत के लिए निकले तो इसको खुले बंदों चलने की आज़ादी नहीं है, बल्कि वह हाकिमों की नज़रों से पोशीदा तौर पर निकले ताकि इसको कोई न देखे और साथ ही साथ अपने आप को बचाए, वरना यहाँ के हाकिम इसको गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल देंगे। यहाँ के पासिंदों और लोगों को अब इस बात का एहसास होने लगा है कि यहाँ के हाकिमों ने पत्थर और ईंट कैद में रखे हैं और कुत्तों को लोगों के सताने के लिए खुला छोड़ा है। इस बंद की आखिरी शायर में सानते तलमीह का इस्तेमाल किया गया है। और वो क्या है ये देखेंगे। तो शेख सईद ने गुलिस्तान में एक कहानी बयान की है। एक दफ़ा एक दरवेज एक शहर में दाखिल हुआ। रात का वक्त था, दरवेज को कुत्ते ने तंग कर दिया और इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। दरवेज ने पत्थर उठाने की कोशिश की मगर रास्ते में पत्थर नज़र नहीं आया और इसको सख्त गुस्सा आया। और यहाँ के लोग किस कदर जालिम हैं कि कुत्तों को आज़ाद छोड़ा है और वह लोगों को सताए मगर पत्थर और ईंट का कहीं नाम व निशान नहीं है। तो फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि यही हाल हमारे वतन का है कि वतन के साथ गद्दारी करने वाले आज़ाद है, मगर मोहब्बे वतन कुत्तों का मुकाबला करते हैं, मगर इनके पास आगे है बहुत है जुल्म के दस्त बहाना जो के लिए
जो चंद अहल जिनों तेरे नाम लेवा है, बने हैं अहले होस मदई भी मुनसिब भी, कैसे वकील करे किस से मुनसफ़ी चाहे, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूँ सुबह व शाम करते हैं। इस बंद की तशरीह है फैज़ अहमद फैज़। इस बंद में फरमाते हैं कि जालिम जो जुल्म करने के लिए जालिम हाकिमों ने मुख्तलिफ किस्म के बहाने तलाश करके अपना काम शुरू किया है। कुछ मुहब्बे वतन तेरा नाम लेते हैं तो इनको सताया जा रहा है। लालची हाकिम दावी करते हैं कि हम इंसाफ करने वाले हैं और वतन की रखवाली करते हैं। अब खुदा के लिए बताए कि इन हालात में किसको हम अपना वकील बनाएं और किस से इंसाफ की तलाश करें, मगर फिर भी लोग तेरी दूरी और जुदाई में दिन गुजारते हैं और सुबह व शाम जोतू करके जिंदा रहते हैं। आगे है, बुझा जो रोजन जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे है सलासल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। गर्ज तस्वीर शाम व सहर में जितने हैं, तस्वीर शाम व सहर में जितने हैं, गिरफ्त साया दीवार व दर में जितने हैं। इसकी तस्रीह है, शायर को कैद खाने की तंग व तारीख कोठरी में वतन की याद आती है कि जमाना गुज़र गया और कैद खाने की खिड़की से जब दिन की रोशनी ओझल हो जाती है और शाम को रोशनी नहीं होती है, जब रात की तारीखी छा जाती है और शायर समझता है कि वतन की मांग सितारों से भर गई होगी और हमारी कलाइयों में जो जंजीरें पहना है वह चमक उठी, शायद सुबह ने तेरे चेहरे पर अपना रुखसार अपनी जुल्फे बिखेर रही है और इस तरह हम सुबह व शाम तेरी जुदाई में गुजारते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, यूँ ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खलक, यूँ ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खलक, न इनकी रश्म नहीं है न अपनी रीत नहीं, यूँ ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, यूँ ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न इनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये। इसकी तशरीह है, फैज़ अहमद फैज़ कैद खाने में वतन की दूरी और जुदाई को महसूस करते हुए कहता है कि लोगों ने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और लड़ाई लड़ी है, अक्सर जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने में शिकस्त भी हुई है और बाज़ औकात फतह भी हासिल की है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर हमेशा यही रहा है कि इसमें हार जीत में कोई नई बात मौजूद नहीं है, और यही वजह है कि वतन की जुदाई में जो जुल्म हम बर्दाश्त करते हैं इसकी शिकायत जो है आसमान से नहीं करते हैं, और इस तरह ऐ वतन कैद में रहने के बावजूद भी हम दिल को तेरी जुदाई में बुरा नहीं करते हैं। ये इस नज़्म की आखिरी लाइन है, गर आज तुझसे जुदा है तो कल बाहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, अगर आज ऊज पे है ताले रकीब तो क्या, ये चार दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं, जो तुझसे अहद वफा इस्तेवार रखते हैं, इलाज गर्दिस लैल व निहार रखते हैं। तो इसकी तशरीह है, फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, जो शायर है हमारे, शायर कैद खाने में अपने दिल को तसल्ली देकर समझा रहा है कि ऐ वतन अगर हम आज तुझसे दूर है तो वह दिन भी आने वाला है जब हम मिल जाएंगे, इसलिए ये जुदाई आरजी है और ये जुल्म के आयाम रहने वाले नहीं हैं, ये जुल्म के आयाम तो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, अगरचे आज हमारे दुश्मन की किस्मत अच्छी है कि ये चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात आएगी।
ऐ वतन, हमने जो तेरे साथ वफादारी का अहद इस्तवार किया है, इसमें हम रात दिन की गर्दिश का इलाज समझते हैं। तो ये जो नज़्म है फैज़ अहमद फैज़ की, निसार में तेरे गलियों के ऐ वतन के जहां, ये यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी आपके लिए यूज़फुल होगी। तो अगर आपके लिए यूज़फुल हो, आपके काम आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच।